एक बेटी को लात मार दी, उसके तीन भाइयों को पीट के उसे कपड़े फाड़ दिए। अब प्रशासन क्या सबूत चाहता है? डीएसपी साहब पिछले 5 घंटे से सामने खड़े हैं मेरे, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रखी यार, क्या क्या उस पर चलेगी बताइए आप? कार्रवाई करिए आप, उनको बाई नेम गिरफ्तारी करवाइए उनको। अब वो यहाँ लाने से घबरा रहे, सिस्टम होता है। अब वो ये कह रहे हैं आज एफआईआर करा दो, भाई नेम नाम दे रहे हैं सबके नाम, एफआईआर हो जाए। और कल सीएम का प्रोग्राम है, कल तो हमें बिजी, जीएम ने बोला मैं परसों ले आऊंगा वही यूनिवर्सिटी के साथ। एक मिनट मेरी सुन, जितनी पकड़ा रहे बेटा, जितनी पकड़ा रहे, मेरे से ज्यादा वैल्यू सर तुम्हारा कोई हो नहीं सकता। लेकिन चलो गलती हुई, गलती के लिए हर चीज जो तुम माफी करो, वो ये करे लाकर लड़कियों के पैर पकड़वा के माफी मंगवा दे। आज अभी वो नहीं आ पाएंगे, अंडर रहे उनकी भी यूनियन है, वो ये कर। आदरणीय जी मेरी सुनिए, आपने हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, एक सी मतलब एक इज्जत, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो गया। सीएम का प्रोग्राम हम ही वेट करेंगे? नहीं, सीएम का प्रोग्राम हम वेट करेंगे क्या? आप बताइए सर। अरे मेरी सुनो भाई, आज वही कह रहे हैं एफआईआर करवा दो। आप एफआईआर विड्रा जब करना, जब वो माफी मांग ले, नहीं तो मत करना। सर ये सोल्यूशन नहीं, सर ये सोल्यूशन नहीं। अरे एक बहन को लात मार दी, तीन भाइयों को पीट दिया, एक सीएम को, मैं इनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आप तो यहाँ के बोल बोल रहे हो, मेरे को सजाओ को करेगा? राजनीति मत करो इनके सामने, इनका ऐसा करो आगे को इनके साथ आए भद्रवा में, मैं इसका उसमें नहीं हूँ। यार पॉलिटिक्स मत करो, इन बच्चों की सेफ्टी के, लड़की के लिए बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे से ज्यादा कोई करता नहीं होगा ना, मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, भाषण नहीं देता मैं। आपने तो ये मेरी सुनो, ये हर चीज का जायज, मोब के अंदर कोई कर्मचारी नहीं आएगा, डरते हैं पता नहीं क्या हो जाए। अलग ऐसा ना तुम कह रहे हो, लेकिन दूसरा नहीं मानेगा इस बात में। चलो व्यवहार की बात होती है, अब भाई ने एफआईआर करवा दूंगा, भाई ने एफआईआर करवा दूंगा। उन्होंने गलती करी, तभी तो मैं कह रहा हूँ। चलो समाधान की बात करनी चली जाएगी, हम लड़कियाँ प्रेजेंट रहेंगी, तब तो रोड पे आ सकते हैं वो। वो ये कह रहे हैं कॉलेज में वही ले आऊंगा, कॉलेज के गेट पे ही तुम्हारे पास जीएम एफ आई आर। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, तुम्हारे से माफी मांगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। एफआईआर हाँ भाई, ठीक है ना, एक एफआईआर, एक भाई ने एफआईआर ले लेना, भाई ने एफआईआर ले लेना, एक मिनट एक मिनट, भाई ने एफआईआर दे देते हैं आज। एक मिनट बेटा मेरी सुनो, मैं मेरे से तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं हो सकता। आज भाई ने एफआईआर ले लेते हैं, और परसों जो है ना मंडे को उनको बुला गया था मेरे ऑफिस का, रख लो सेक्टर 14 का, वहाँ पे उसको बुला के आपकी पैर पकड़वा दूंगा, मैं ये बात का वादा करता हूँ। सर आप जिम्मेवारी ले रहे हो? मैं जिम्मेवारी, आप जिम्मेवारी ले रहे हो? मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। एक मिनट सर, एक लड़की की इज्जत क्या उनकी नौकरी से ज्यादा है? अरे भैया मेरे से सर, मेरे को समझा रहे हो सर? मैं आपको नहीं बता रहा, हमें पता है सर, आपके बारे में हमें पता है। इनके लिए मैं कर रहा हूँ ये बात, तो इसलिए ये बात बोलना, तो यहाँ पॉलिटिक्स ना करो, हमें इन बच्चों को सेफ्टी करनी है, कल को फिर को इनके साथ बदतमीजी ना हो, ये करना है हमने। बंदा अपने डिपार्टमेंट में, आप लोग पहचान चुके हो वो कौन है, किसको आपको पता लग गया? मेरे जीएम से बात हो रही, वो आप पहचानोगे, आप पहचानोगे उनको, ये पता। मैंने क्या कह रहा हूँ मैं, आप पहचानोगे, आप उससे, आपके सामने आपकी माफी मांगेगा वो, ये मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने किसी के खिलाफ नहीं की, फिर नहीं कैसे हो? मैंने नहीं की, एक मिनट, ये पुलिस करे, पुलिस करेगी मेरे ऊपर ही डाउट कर रही है, तुझे मेरे ऊपर डाउट कर रही है। अरे सर मैं सौ बात की एक बात है, आप ऐसा करिए, आप एफआईआर दर्ज करवाइए, अरे एक मिनट, भाई नेम उनका, एफआईआर दर्ज करवाइए। अभी रोडवेज के जो उच्च अधिकारी उन्होंने बोला था आपके सामने कि एक दो नंबर बेड है, उसका नाम आ गया, उन सब के नाम डालिए भाई ने, उसके नाम पे, एक मिनट, उनके नाम एफआईआर हो रही है, एफआईआर आपको दे रहे हैं, मंडे को वो आपसे माफी मांग लेंगे, तो आप उन्हें एफआईआर को उनको वापस विड्रॉ करने के लिए वहां दे, लिख के दे देना, ठीक है ना? भाई नेम सबके नाम होंगे, भाई नेम, मैं अभी ये कह रहा हूँ, एक मिनट, अभी आपके नाम भाई नाम एफआईआर दे रहे हैं, फिर उसके बाद मेरे से टाई अप कर लेना, मंडे को मैं बुलाकर माफी मांगूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, टेंशन मत, भाई नेम, एक मिनट।
सर कॉपी दे दो, कॉपी आपको दे दो, कॉपी को कॉपी कॉपी देंगे, दिखाएंगे नहीं कॉपी दो, वहाँ पे उसको बुला के आपकी पैर पकड़वा दूंगा मैं, ये बात का वादा करता हूँ। सर आप जिम्मेवारी ले रहे हो? मैं जिम्मेवारी, आप जिम्मेवारी ले रहे हो? मैं जिम्मेवारी, आप जिम्मेवारी ले रहे हो? मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, एक लड़की की इज्जत क्या उनकी नौकरी से ज्यादा है? अरे भैया, आज सुबह एक घटना हुई थी, अजय है हमारा, अजय कहाँ गया? अजय हमारा कार्यकर्ता एबीवीपी का, इसका सुबह मेरे पास फोन आया कि भाई साहब मेरे साथ ना मारपीट हो गई है। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि इस बहन को जो रोडवेज के कर्मचारी थे फ्लाइंग वाले, उन्होंने ये बोला कि आप पास दिखाओ। इस बहन के पास पास था, इसने पास दिखाया। भाई के पास टिकट है, इसने टिकट दिखाई। बस के जो वो फ्लाइंग वाले थे, उन्होंने बोला इस लड़की को कि तू कॉलेज में नहीं जाती, काम तो कितने ओरे जाओ। रूडली शब्द का प्रयोग मैं मतलब बता नहीं सकता, ऐसी बात उसने बोली। ये शब्द गलत है, ठीक है जी, ऐसा शब्द उन्होंने बोला। उसके बाद जब एक बहन के सामने, एक भाई के सामने उसकी बहन को ऐसी बात कही जाएगी तो शायद मुझे नहीं लगता दुनिया कोई ऐसा भाई होगा जो बर्दाश्त करेगा। उस भाई ने विरोध किया, ये अजय है, इसने इसका विरोध किया कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। रोडवेज के कर्मचारी नहीं कहूंगा मैं, गुंडे कहूंगा। उन गुंडों ने इसको पकड़ा, बस से उतारा और जो उसकी जाली वाली बस होती है उसमें डाला और ये सुनसान एरिया सामने है यहाँ लाके, मतलब उनका जब तक मन किया जब तक इसको पीटा है। इसके दांतों में से खून आ गए थे, ये देखिए, ये सामने आप कपड़े दिखाइए, ये कपड़े देखिए, सागर कहाँ गया? एक ये सागर, ये रहा, इसके कपड़े देखिए। टिकट लेने के बाद, पास दिखाने के बाद, अभद्रता करने के बाद, मन भर मारने के बाद भी हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ सुबह आए जाम लगने के बाद, पिछले 8 घंटे से जेठ के महीने में हम यहाँ देखो रोड के ऊपर खड़े हैं, प्रशासन केवल और केवल एक लॉलीपॉप दे रहा है। पिछले 5 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई तो वो नहीं है सुनवाई, सिर्फ FIR हो रही है, अब हो गई, हो जाएगी, अब होगी, हो जाएगी, ये गोलियां दी जा रही है। अभी 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 बलराज कुंडू जी MLA है MM के निर्दलीय, वो आए थे, उन्होंने हमसे बातचीत की है, बातचीत करने का उन्होंने हमारा समर्थन किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का समर्थन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टिकट दिखाने के बाद भी अगर हरियाणा सरकार ऐसे लोगों को और बेटियों को पिटवाएगी तो शायद ये नारा बंद कर दीजिए, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बंद कर दीजिए। अगर ऐसे ही हमारे साथ होगा, ऐसे कर्मचारी जब तक ऐसे काम करेंगे, समाज के अंदर से क्रूरता और दरिद्रता बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती। मैं उन लोगों को गुंडा ही नहीं बल्कि दरिंदा भी कहूंगा जो है शब्द कह के गए हैं यहाँ पे। शायद उस भीड़ में अगर थोड़ा सा और साहस होता तो वो भाग नहीं पाते, अकेले इस लड़के को उठा के नहीं लेके जाते, शायद ये कार्रवाई उनके साथ हो रही होती। दूसरी बात, अगर इतनी सी ही कार्रवाई जो उन्होंने केवल इनको थप्पड़ मारा, सब कुछ करा, उनको पीटा मारा, खून निकाल दिए, अगर ये 4 लड़के मिलके किसी फ्लाइंग वाले की अगर गुद्दी भी पकड़ लेते ना साहब, तो इसके भविष्य अंधकार में डाल देती है पुलिस और ये सरकार। और अब पिछले 5 घंटे से हम यहाँ सब खड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं, केवल कार्रवाई हो रही है, हो जाएगी, आप लोग उठ जाओ, आप लोग उठ जाओ। अब ये कह रहे हैं कि माफी आज नहीं मंगाएंगे, कल CM साहब आ रहे हैं रोहतक के अंदर। अरे CM साहब को, CM साहब का प्रोग्राम एक बेटी की इज्जत से ज्यादा हो गया क्या? एक बेटी को लात मार के आपको क्या लगता, आपको क्या लगता है कि ये दौरे, ये CM के दौरे का नहीं बोलो बात है जो हुआ है CM का? सुनिए मैं एक बात कहता हूँ, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे। CM हो चाहे PM हो, अगर बेटी के इज्जत से बढ़ के अगर उसका कार्यक्रम है तो हम उनका भी विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को हम भी नहीं पसंद करते। बताओ भाई, करोगे भाई? हाँ भाई, हाँ भाई, बेटी की इज्जत पर सवाल उठा दिया और प्रोग्राम करके आप शाबाशी लूटोगे, ऐसा नहीं है CM साहब। आपसे आग्रह है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बेटी को न्याय मिले, इस बेटी को ही नहीं हरियाणा के अंदर मैं कहना चाहूंगा डेली ऐसा होता है, इसको सुधारा जाए, और मिले तो अच्छा। और जो कुछ होगा भाई, आज हमें बाई नेम जो अभी रोडवेज के बड़े अधिकारी आए थे, उन्होंने अभी उन बेड़े वालों का नाम दिया है जो ड्यूटी पे थे, उन सब के नाम FIR हो, क्योंकि अज्ञात के नाम करके खाना पूर्ति होती है, कोई जांच नहीं, वो छोड़ देते, नाम डलेंगे तो फिर हम कल को खड़े होने वाले बन जाएंगे। ये बहन जाके SP साहब से जवाब मांग सकती है, भाई नाम FIR चाहिए। जब उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है, अभी हमने नहीं माना है, अभी आश्वासन दिया उन्होंने अभी कि हम माफी मंगवा देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ FIR दर्ज करो, थाने में कहोगे वो लड़की के, चाहे वो कैसे भी करे, उसकी बेटी है, जैसे ये माफी करेगी, माफी देगी, वैसे वो माफी ले और भाई जब जाए।
ठीक है जी, ये मेरी बस। तो जी ये मामला था बयानी चुंगी का, और आप सब देख रहे हैं यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी है, पब्लिक जुड़ रही है। कारण क्या होया सारा सारा वो आपके शायद यहाँ भी गया होगा कि एक गुड़िया के साथ बदतमीजी करी रोडवेज के कर्मचारियों ने, जिसके कारण आड़े बयानी चुंगी पे जाम लाया, और विद्यार्थी परिषद वाले भी एबीवीपी वाले भी साथ में जुड़ गए इसमें, और बलराज कुंडू ने आगे बीच बताओ करते हुए आश्वासन दिया है कि भाई माफी मंगवाऊंगे और बाई नेम एफआईआर दर्ज होगी। तो पूरी अपडेट के लिए बने रहिए जमींदार मीडिया पे। दिनेश गलावत, जय हिंद।